मैं आपको इस वीडियो में 10,000 के अंदर आने वाले Realme के बेस्ट फोन्स बताने वाली हूँ, क्योंकि काफी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम जब 10,000 के अंदर के फोन लेने की बात करते हैं तो हम ये सोच में पड़ जाते हैं कि इसके अंदर हमें क्या ही स्पेसिफिकेशन मिलेगी। तो जो हमारा एक बजट रेंज होता है 10,000 के अंदर का, तो हम उसे छोड़कर हमेशा एक्स्ट्रा बजट प्राइस पे चले जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं आज अंडर 10,000 के अंदर जो बेस्ट फोन आते हैं मैं आज वो बताने वाली हूँ। एंड जो हम इस वीडियो में Realme की बात करने वाले हैं वो भी इसलिए करने वाले हैं क्योंकि हर एक पर्सन का एक पर्टिकुलर ब्रांड फेवरेट होता है, बट उसके अंदर भी जब हम फोन सर्च करने जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा फोन ले। सो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक ब्रांड के बारे में बात करेंगे, वो है Realme, और उसके अंदर जितने भी अंडर 10,000 के फोन आते हैं उसके लिए हम बात करने वाले हैं, क्योंकि 10,000 के अंदर ऐसे फोन मिलना मुश्किल है। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जितने भी नई वीडियोस आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो जो पहली कैटेगरी है फोन की वो है Realme C53। अगर हम इसके फोन की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इस फोन में आपको 6.74 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा विथ 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ। और अगर इस फोन की बैटरी की बात करें तो बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 33W फास्ट चार्जिंग के साथ। इस फोन में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक आपका 4GB रैम और एक है आपका 6GB रैम। बात करते हैं इस फोन के कैमरे की, तो कैमरे में आपको 108 MP का कैमरा मिल रहा है और जो इसका सेल्फी कैमरा है वो है आपका 8 MP का। इसमें आपको 3.5 mm का ऑडियो जैक देखने को मिलेगा, USB टाइप सी है। इस फोन में भी आपको दो वेरिएंट के स्टोरेज मिलेंगे, एक आपको मिलेगा 64GB का स्टोरेज और एक मिलता है आपको 128GB इनबिल्ट स्टोरेज। और ये फोन आपका एंड्रॉइड 13 पे वर्क करता है। इस फोन में आपको दो कलर देखने को मिलेंगे, एक चैंपियन गोल्ड है और एक है माइटी ब्लैक। अगर इस फोन की जो मैं प्राइस की बात करूं तो इस फोन का जो वेरिएंट है आपका 4GB रैम प्लस 128 का जो स्टोरेज है वो आपको कॉस्ट करेगा 9,639 का। तो ओवरऑल आपको इस बजट में, इस प्राइस रेंज में आपको बहुत अच्छा एक फोन दिखने को मिलेगा जिसमें आपका जो कैमरा है वो 108 मेगापिक्सल का कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा मिल रहा है, डुअल सिम सपोर्टर भी मिल रहा है, 5000 mAh की एक लार्ज बैटरी मिल रही है जिसमें आपको 33W चार्जर का सपोर्ट भी मिल रहा है। सो 10,000 के बजट में अगर आप एक Realme का फोन देख रहे हैं तो ये एक बेस्ट फोन है, क्योंकि जो इसका एक लुक देता है आपको अंडर 10,000 के अंदर ये काफी एक प्रीमियम लुक देता है। अगर आप बात करें अपने नेक्स्ट फोन की तो नेक्स्ट फोन का नाम है Realme Narzo 50A। अगर हम बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की तो इसमें आपको 6.63 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा एंड बैटरी में आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है। एंड बात करें कैमरे की तो कैमरे में आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा विच इज दी 50 MP का कैमरा है इसका, और जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है आपका 8 MP का। और इस फोन में आपको 4GB रैम भी मिलेगा और इसके अंदर जो इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट है वो भी दो आते हैं, एक 64GB का होता है, एक होता है आपका 128GB का। एंड जो ये Realme Narzo 50A Prime है ये वर्क करता है आपका Realme UI R Edition पे जो कि बेस्ड होता है आपका Android 11 पे। तो बात करें हम इस फोन के कलर्स की तो इसमें आपको दो कलर्स दिखने को मिलेंगे, एक आपको मिलेगा फ्लैश ब्लैक एंड एक और कलर है आपका फ्लैश ब्लू। तो ये दो कलर में आपको ये फोन देखने को मिलेगा। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में आपको Realme Narzo 50A Prime में वाईफाई मिलता है एंड USB टाइप सी का है, फिंगरप्रिंट सेंसर है। अगर हम बात करें इस फोन के प्राइस की तो जो इसका 4GB रैम प्लस आपका 128GB का जो स्टोरेज है उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको कॉस्ट करता है 13,999 का, एंड जो वो आफ्टर डिस्काउंट होके प्राइस मिलता है वो आपको मिलेगा 9,299 का। तो डेफिनेटली आप 10,000 के अंदर Realme Narzo 50A को कंसिडर कर सकते हैं। सो बात करते हैं हम नेक्स्ट फोन की, तो उस फोन का नाम है Realme Narzo N53। इसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको इसके अंदर 6.74 इंच का टच स्क्रीन HD डिस्प्ले देखने को मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट है एंड इसके साथ आपको इसके अंदर दो वेरिएंट देखने को मिलता है, एक आपका 4GB रैम और एक आपका 6GB रैम। और इसके अंदर का जो प्रोसेसर है वो है आपका ऑक्टाकोर यूनिस्को T612 प्रोसेसर है और इसके अंदर आपको बैटरी में 5000 mAh की बैटरी मिल रही है विद 33W फास्ट चार्जर के साथ। बात करते हैं इसके कैमरे की तो कैमरे में आपको 50 MP का कैमरा और इसका जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है आपका 8 MP का। ये वर्क करता है Realme UI 4.0 बेस्ड Android 13 पे और इसके अंदर का जो इनबिल्ट स्टोरेज है उसमें आपको भी दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, एक है आपका 64GB और एक है आपका 128GB का। एंड ये फोन दो कलर्स में लॉन्च हुए हैं, एक है आपका फेदर ब्लैक एंड सेकेंड है आपका फेदर गोल्ड। ये दोनों ही कलर काफी वाइब्रेंट है और काफी अच्छे हैं। इस फोन में आपको जो कनेक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है वो है आपका वाईफाई, GPS, इसमें आपको USB टाइप सी देखने को मिलेगा, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को भी मिलेगा। अगर
अब बात करें इस फोन के प्राइस की, तो जो इसका वेरिएंट है 4GB रैम प्लस आपका 64GB का जो इंटरनल स्टोरेज है, उसका जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको कॉस्ट करता है 10,999 का, बट ये आपको आफ्टर डिस्काउंट 7,909 का कॉस्ट कर रहा है। सो अगर आप एक अच्छा फोन देख रहे हो इस बजट में, तो आप डेफिनेटली इस फोन को कंसीडर कर सकते हो। तो बात करते हैं हम अगले फोन की, तो वो फोन है आपका Realme C31। अगर हम इस फोन के फीचर्स की बात करें तो 6.52 इंच का आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और जो इसके अंदर का प्रोसेसर है वो आपको सेम दिखने को मिलेगा, दैट इज आपका ऑक्टाकोर यूनिस्को T612 प्रोसेसर। इसके अंदर आपको भी दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक आपका है 3GB रैम और एक है आपका 4GB रैम। बात करते हैं हम इसकी बैटरी की, तो 5000mAh की बैटरी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, एंड सबसे बड़ी बात है कि इस प्राइस में आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो प्राइमरी कैमरा है वो 30MP का है और फ्रंट सेल्फी कैमरा आपका 5MP का है, और ये फोन आपका वर्क करता है Realme RUI बेस्ड Android 11 पे। और बात करते हैं इसके इनबिल्ट स्टोरेज की, तो इसमें भी आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेगा, एक है आपका 32GB और एक है आपका 64GB। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में भी आपको इसमें काफी सारे मिल रहे हैं, वाईफाई का ऑप्शन मिल रहा है, GPS का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल रहा है, फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा कि, और जो इसका वेरिएंट है आपका 4GB प्लस आपका 64GB जो इनबिल्ट स्टोरेज है, उसका जो एक एक्चुअल प्राइस है वो आपको कॉस्ट करता है 11,999, बट ये आपको आफ्टर डिस्काउंट कॉस्ट करता है 7,999 का। तो ओवरऑल फोन ये एक बहुत अच्छा फोन है, आप डेफिनेटली इसको कंसीडर करिए अंडर 10,000 के अंदर। बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट फोन की, तो वो फोन है आपका Realme Narzo 50i। देन अगर हम इसके फीचर्स की बात करें, तो इस फोन में आपको 6.50 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ, और इसके अंदर का जो प्रोसेसर है उसमें भी आपको सेम ऑक्टाकोर यूनिस्को T612 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। ये दो वेरिएंट के साथ आता है ये फोन, एक है आपका 3GB और एक है आपका 4GB रैम। 5000mAh की बैटरी है, एंड बात करते हैं इसके कैमरे की, तो कैमरे में आपको 8MP का कैमरा मिलने वाला है, और जो इसका फ्रंट सेल्फी कैमरा है उसमें आपको 5MP कैमरा देखने को मिलेगा। बाकी ये वर्क करता है आपका Realme UI Go एडिशन पे, जो कि बेस्ड होता है Android 11 पे, और इसके अंदर के जो इनबिल्ट स्टोरेज है वो भी दो वेरिएंट पे आते हैं, एक 32GB का है और एक है आपका 64GB का। 3.5mm का ऑडियो जैक है इसके अंदर। कनेक्टिविटी में आपको इस फोन के अंदर वाईफाई देखने को मिलेगा, GPS है एंड ब्लूटूथ है, एंड इस फोन में आपको डुअल सिम का सपोर्टर भी देखने को मिलेगा। बट अगर हम इस फोन के प्राइस की बात करें, तो जो इसका वेरिएंट है 4GB रैम प्लस आपका 64GB का जो स्टोरेज है, वो आपको जो एक्चुअल प्राइस है उसका वो कॉस्ट करता है 9,999 का, बट आफ्टर डिस्काउंट ये आपको कॉस्ट कर रहा है 6,599 का। अगर ये फोन 10,000 का है तो इसको रिकमेंड करना काफी मुश्किल हो जाता है, बट आफ्टर डिस्काउंट का जो इसका ये प्राइस है 6,599, इस प्राइस पे आपको ये जो भी फीचर्स मिल रहे हैं काफी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, तो आप डेफिनेटली इस फोन को इस प्राइस पे कंसीडर कर सकते हो। सो ये Realme के कुछ 5 बेस्ट फोन्स हैं जो आपको 10,000 के अंदर में मिलने वाले हैं, एंड ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा फोन ज्यादा पसंद आया है। एंड फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो आवर चैनल। थैंक यू।